जय माता दी फ्रेंड्स, इस समय हम जम्मू के कटरा में हैं क्योंकि माता वैष्णो देवी का दर्शन के लिए आए थे और जनरली हम दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट आप कैसे भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए था कि मैं तो वहाँ से पुरानी दिल्ली से ट्रेन से आया और यहाँ मॉर्निंग में पहुँचा। अगर आप आते हैं आप देख सकते हैं कि कटरा जो स्टेशन है बड़ा ही स्वच्छ स्टेशन है, भारत सरकार ने यहाँ बहुत काम किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप आते हैं मॉर्निंग में यहाँ पहुँचते हैं तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप यहाँ से, एक्चुअली लोग आते हैं तो ये सोचते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, तो मे बी ये मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आप यहाँ आइए, यहाँ से आप बाहर निकलिए तो आपको यहाँ से मैं रेट भी बता देता हूँ। बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटो पिकअप करना पड़ेगा और वो आपसे 150 इतने रुपए आपको लेगा। 100 बहुत लोग 100 ले लेते हैं, बहुत 150 ले लेते हैं, आपको ले जाएंगे मेन कटरा मार्केट में, आपको छोड़ेंगे। फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे गेस्ट हाउस है, होटल है और धर्मशालाएं भी हैं, आप कहीं भी रुक सकते हैं। और रुकने के बाद वहाँ पे आप आराम से वहीं पे अपना सामान वगैरह रखिए, नहाइए वहाइए, फिर वहीं से आप दर्शन के लिए निकलिए। और इसलिए दर्शन के लिए वहाँ से आप निकलेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आकर के। मैं अपना अनुभव यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी ट्रेन 2 घंटे बाद है। तो मैं पहले चला आया था तो थोड़ा मैं यहाँ वेट कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं जिससे काफ़ी हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो, आई होप, उम्मीद यही कर सकते हैं कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय माता दी।